आज हम बना रहे हैं मसाला चाप, जो कि बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे हम, और उसका जो टेस्ट आएगा वो होटल से भी बढ़िया आएगा। उसके लिए देखिए, मैंने 1/2 kg के करीब चाप ली हैं और इनको मैंने फ्रीजर में रख दिया था और बाहर निकाल के थोड़ी देर पानी में रखा है। इसको 5 मिनट तक बॉयल किया और अब हम इसको फ्राई करेंगे। और याद रखिए, आप इसको धीमी आंच पे फ्राई कीजिए ताकि इसमें लेयर अच्छी तरह खुले और मसाला अच्छी तरह चला जाए। और इसको मेरी तरह बनाने के लिए, ठीक से समझने के लिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और मैं वीडियो में एक क्वेश्चन भी आपसे आज फिर से पूछूंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए देखिए। चाप को फ्राई करने के लिए ये देखिए, मैंने ऑयल रखा है। मैंने ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं डाला क्योंकि हम शैलो फ्राई टाइप करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, और ना ही हम इसको ज़्यादा सख्त बनाएंगे। इसको हमने सॉफ्ट ही रखना है और स्पंजी रखना है ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर ले। ये तो मैंने ये ऑयल रखा है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हम गैस को मीडियम कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। इसी बीच हम मैरिनेट के लिए एक मसाला सा तैयार कर लेते हैं। तो आइए देखिए, इसमें जितनी आपकी पैन में आती हैं आप उतनी डाल दीजिए। गैस की लो को हम मीडियम कर देंगे। जैसे जैसे इसका मॉइस्चर सूखता जाएगा, इसकी लेयर्स खुलती जाएंगी। इसको हम ज़्यादा कुरकुरा नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। इसको हमें 3 से 4 मिनट तक तलना है, फिर मैं आपको तल के दिखाती हूँ। ऑयल हमारा गर्म है, मैंने इसमें से आधा ऑयल निकाल लिया है और इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को जो हम फ्राई करके सब्जी बनाते हैं, इसका कलर चेंज करके, रेड करके, तो उसमें एक अजीब सा मीठापन सा, अजीब सा टेस्ट आता है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसको ब्राउन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं और मैंने गैस को ऑफ कर दिया। अब हम इसको तेल को थोड़ा सा झाड़ के निकाल लेंगे ताकि हमारा ज़्यादा ऑयली ऑयली ना हो। मैंने ये 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इनको मैं मिक्सर जार में डाल दूंगी। और ये लहसुन है 5-6 कलियाँ, थोड़ा सा अदरक है, हरी मिर्च है चॉप की हुई, इसको हम सारे को डाल देंगे। और इसमें हम प्याज भी डाल देंगे और इनका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। और मैं इसमें अब थोड़े से खड़े मसाले डाल दूँगी। ये तेज पत्ता है, दालचीनी है, एक छोटी इलायची है, एक मोटी इलायची जिसको काली इलायची भी बोलते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से खुशबू आने तक खड़े मसाले को भूनेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा जीरा भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मसाले हमारे खुशबू आ रही है, अच्छी अरोमा आ रहा है इनका। और ये देखिए, मैंने जो ये मसाला पीस के रखा है, अब मैं इसको इसमें डालूंगी। इसको हम मीडियम आंच पर अच्छा घी छोड़ने तक पकाएंगे। और अभी हम इसमें हमारे जो मसाले हैं, बेसिक मसाले, वो डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून के करीब, या टेस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि हमारे जो ये मसाला है जल्दी पक जाए। और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर लिया है और सिंपल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून करीब। और इसमें मैं 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डालूंगी। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। तो देखिए, हमारी चाप जो है पक चुकी है और इसमें मसाला अंदर तक जा चुका है। मैं आपको एक पीस काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल अब तैयार है। और अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। वो ग्रेवी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपके घर में जितनी लाइक करते हैं आप उसमें उतना ही पानी डालिए। और अब हम ये तेज पत्ता और
इलायची को निकाल देंगे, दालचीनी को निकाल देंगे क्योंकि इसमें फ्लेवर आ चुका है। कई बार बच्चे पसंद नहीं करते इसको, तो मैं इसको निकाल दूंगी। और इसमें हम पानी डाल देंगे ग्रेवी का, और इसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छा बॉयल आने तक इसको पकाएंगे ताकि हमारी ग्रेवी भी पक जाएगी और ये चाप भी पक जाएगी। और उसमें मसाला अच्छी तरह आगे फिर मसाला सोया चाप बनकर तैयार है। इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूंगी जिसको मैंने हल्का सा तवे पे रोस्ट किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और हम इसको मिला देंगे। ये देखिए बनी है ना कितनी डेलिशियस, कितनी सुंदर। और आइए अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी टेस्टी सी, देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है सोया मसाला चाप बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइए। और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो कि मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में पूछूंगी या बीच में भी पूछ सकती हूँ, इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो मैंने इसमें जो ग्रेवी में प्याज डाले थे, मैंने वो कच्चे डाले थे या उनको फ्राई करके डाला था? और आप जब कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए, हमारे पास जितने भी कमेंट्स आएंगे हम उनका लकी ड्रॉ द्वारा एक इनाम निकालेंगे। तो आप जुड़े रहिए आशा मेहता की रसोई के साथ और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और देखिए हमारी मसाला चाप बनकर तैयार है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और माता अन्नपूर्णा आप सबके भंडारे भरपूर रखे, सबको धन दाने से भरपूर रखे। मैं सबके लिए यही कामना करती हूँ। थैंक यू।